ડોલરની સામે રૂપિયો નબળો પડતા નાણામંત્રી નિર્મળા સીતારમણે પ્રતિક્રિયા આપી છે. ડોલરની સામે રૂપિયો નબળો પડવાને લઈ અને નાણામંત્રીની પ્રતિક્રિયા. क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन सब के कारण रुपी उनके अपने ताकत में बाकी करेंसी के खिलाफ स्टेबल रह रही है. सिर्फ यूएस डॉलर के खिलाफ, सिर्फ रुपी नहीं, वेरियस करेंसीज, येन हो, यूरो हो, ब्रिटिश पाउंड हो, सबका सिर्फ अगेंस्ट यूएस डॉलर्स फ्लक्चुएशन ज़्यादा रह रही है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी, यूएस फेड का डिसीशन, इन सब के कारण. अभी ग्लोबल अनसर्टनिटीज जो बढ़ रही है, तीन जगह पर युद्ध चल रही है और ईरान के ऊपर हमला वगैरह, उसके वजह से अनसर्टनिटी, और जहाँ मिडल ईस्ट से हमारी ऑयल, सिर्फ हमारी नहीं पूरे दुनिया का ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, उसके अनसर्टनिटीज, क्योंकि उधर हाई सीज में भी पायरेसी वगैरह हो रही, इसके कारण ये फ्लक्चुएशन होगा ही होगा.